दोस्तों, अगर आप जीरोधा में, अप स्टॉक्स में, फाइव पैसा में, फायर्स में और आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करवाना है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए। अगर आप इनमें किसी में भी अगर आप अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं हमारे अंडर में, तो हम आपको 10,000 का जो हमारा कोर्स मटेरियल है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। प्लस मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन करूँगा, जहाँ पर मैं डेली आपको 3 से 4 इंट्राडे की कॉल्स दूंगा, जिसपे अपडेट करके। गुड इवनिंग दोस्तों, स्टॉक बाजार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए एक स्टॉक लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार स्टॉक है और लार्ज कैप की कंपनी है। और देखिए, कंपनी का नाम भी आपको बता देता हूँ, मेरिको लिमिटेड है ये स्टॉक का नाम। और मार्केट कैप है इसका 45,961 करोड़ और करंट प्राइस इसका है 356 चल रहा है। और 52 वीक इसका हाई था 397 और 52 वीक लो है 282। ठीक है, इसका बुक वैल्यू देखिए 23 रुपये और स्टॉक का पी है 51 रुपीज़। और डिविडेंड भी कंपनी देती है, आरओसी है इसका 39% और आरओई है 31%। सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल में 3% की इसकी सेल्स ग्रोथ है। बहुत स्लो स्टॉक चलता है लेकिन ऊपर ही ज़्यादा चलता है, ऊपर की तरफ भागता है। देख रहे हैं आप इसके लॉन्ग टर्म में चार्ट कैसा है, कितना शानदार चार्ट है ये, बहुत ही शानदार चार्ट है, मैं पसंद करता हूँ ऐसे चार्ट को। देखिए, कंपनी वर्चुअली डेब्ट फ्री कंपनी में, कोई ऊपर इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त है। और एफएमसीजी का सेक्टर है ये, एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है ये। तो देखिए, आप पहले नंबर पे आते हैं गोदरेज कंज्यूमर, एफएमसीजी में डाबर इंडिया और मेरिको देखिए तीसरे नंबर की कंपनी अपने सेक्टर में। इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो 2016 में था इसका सेल्स ग्रोथ, सेल्स जो हुई थी 2016 में इसकी 1291 करोड़ और 2018 में देख रहे हैं आप लोग 1861 करोड़, मतलब 600 करोड़ का लगभग प्रॉफिट हुआ है। सेल्स ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है 2016 से 2018, 2 साल के अंदर 600 करोड़ का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बढ़ी हुई है। और इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2016 में 136 करोड़ था, अभी 2018 में 19 में 247 करोड़। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम इसका ओवरऑल देखेंगे तो सेल्स हुई थी 2007 में 1500 करोड़ की और देखिए अभी 6,000-7,000 करोड़ की इसकी सेल्स हो गई है मार्च 2018 और 19 में, तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है पिछले 10-12-13 साल में। और नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 113 करोड़ हुआ करता था 2007 में और अभी होता है देखिए 898 करोड़। और इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखते हैं तो पिछले 10 साल में था इसका 12%, पिछले 5 साल में था 6%, 3 साल में 3%। कंपाउंडेड अगर प्रॉफिट ग्रोथ इसका हम देखते हैं तो पिछले 10 साल में थी ये 17% का, पिछले 5 साल में थी इसका 16% और पिछले 3 साल में थी 11% का। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखते हैं तो देखिए शानदार है, पिछले 10 साल में भी 32%, पिछले 5 साल में 33% और पिछले 3 साल में भी 33%, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी को इसने मेंटेन करके रखा हुआ है काफ़ी। तो चलिए चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं कि ये चार्ट पे कैसा है स्टॉक और हमें एंट्री कब करनी है, ठीक है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म। देखिए साथियों, मैंने मेरिको का चार्ट खोली अपने काइट के प्लेटफॉर्म पर। और देखिए, आपको अगर आप स्टॉक या जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो आपके लिए बिल्कुल डिलीवरी फ्री है, डिलीवरी में इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और देखिए, हम इसका अगर निकालने जाएंगे कि हमें एंट्री कहाँ करना है, तो देखिए ये काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट बनाकर चल रहा है ये स्टॉक। यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर हम मिलाते हैं तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है स्टॉक। अगर लेता है उसके बाद आपको ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाता है तो हमें एंट्री करना है शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। और हमारा टारगेट होगा, देख रहे हैं आप लोग, अगर ये गिरते गिरते यहाँ तक आता है 346 या 40-50 के आसपास, 340 के आसपास आता है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और आपका टारगेट होगा 370 के अराउंड, तो 40 से 30 रुपये, मतलब 10% का आपको रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। और इस ट्रेंड लाइन को देखिए, ये फॉलो कर रहा है काफ़ी शानदार तरीके से। अगर इसको भी और नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये स्टॉक देखिए यहाँ से फॉलो कर रहा है, ये इसका अलग सपोर्ट होगा, ठीक है। आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि ये इसका अलग सपोर्ट हुआ है, यहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं। देखिए, देख रहे हैं पहले इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा था, यहाँ पे नीचे देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं आप, पहले इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा था, इसको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर। देखिए, पहले इस वाले ट्रेंड लाइन को ऊपर वाले को फॉलो कर रहा था, लेकिन जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस ट्रेंड को जब इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर गिरा तो यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया।
अब फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखिए यहाँ पे आकर सपोर्ट लेगा। अगर ऊपर फिर गया तो आप यहाँ पे 10% के लिए एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि ये सपोर्ट पे कब आता है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल कब बनती है, ये ब्लू वाली, तो हमें वहाँ पर एंट्री करना है। तो चलिए इसके लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी देख लेते हैं कि कितना रिटर्न दिया है हमने निवेशकों को इसने अगले 10 साल में, पिछले 10 साल। तो देखिए दोस्तों, इसने 1 वीक में आपको फ्लैट रहा है, कोई भी रिटर्न नहीं दिया इसने, और 2 वीक में इसने -2% के निगेटिव रिटर्न दिए हैं, और 1 मंथ में देखिए फ्लैट रहा है, और 3 मंथ में भी देखिए ये लगभग -2% के निगेटिव रिटर्न दिए हैं, 6 मंथ में आपको 4% का रिटर्न मिला है यहाँ पे, और ईयर टू डेट में भी -4% का रिटर्न दिया है आपको, 1 साल में 14% के दिए हैं, 3 साल में 39% के रिटर्न दिया इसने, और 5 साल में पिछले 227% का रिटर्न दिया है, और पिछले 10 साल में हम अगर इसके रिटर्न देखते हैं तो देखिए 944% का इसने शानदार रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में। तो ऐसे ऐसे स्टॉक हमारे सुपर 30 में, अगर सुपर 30 के स्टॉक चाहिए आपको जिसने पिछले 10 साल में 1000% से लेकर 50000% तक उन्होंने रिटर्न दिया है हमारे सुपर 30 के स्टॉक्स, अगर वो लिस्ट आपको चाहिए सुपर 30 के, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करिए, छोटा सा हम चार्ज पे करते हैं उसके लिए, आपको वो लिस्ट बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। वो काफ़ी शानदार कंपनीज हैं सब, हमारी टीम ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन स्टॉक्स को निकाला है जो कि सुपर 30 में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए सर दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।